कई दशकों से चलता आ रहा धनबाद खादी ग्राम स्टोर में कर्मचारियों की आपसी विवाद की वजह से आज फिर से ताला लटक गया है। धनबाद खादी ग्राम स्टोर में इन दिनों आपसी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर आज एक पक्ष ने खादी ग्राम स्टोर में तालाबंदी कर स्टोर के सभी धरना पर बैठ गए। वहीं विरोध कर रहे लोग स्टोर के मैनेजर पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि नियमों के आलोक में बर्खास्त मैनेजर नए पदाधिकारी को चार्ज दे, अन्यथा प्रतिष्ठान इसी तरह बंद रहेगा। नए पदाधिकारियों में दिनेश कुमार सिंह संयोजक, महेश कांत ठाकुर, रमंजय कुमार सिंह, विमलेश कुमार, सुशील कुमार चौधरी, अनीता कुमारी, जयराम पंडित, राजेंद्र कुमार शामिल हैं। पिछले 25 जुलाई को नियामक मंडल के द्वारा नई कमेटी बनी है। धरने पर बैठे संयोजक के मुताबिक कोर्ट मोड़ स्थित खादी ग्राम का चार्ज बतौर मैनेजर सत्येंद्र कुमार शर्मा तथा नया बाजार खादी भंडार का चार्ज विमलेश कुमार को लेनी है। परिस्थिति ये है कि बर्खास्त मैनेजर विपिन बिहारी नए मैनेजर को चार्ज सौंपने को तैयार नहीं है, जबकि उन्हें पद छोड़ने के लिए नियामक मंडल तथा सरकार की ओर से पत्र भी जारी हो चुका है। उनकी हट धर्मिता ही है कि वे किसी के आदेश को मानने का इनकार कर अवैध रूप से कुर्सी पे जमे हुए हैं। पिछले 30 अक्टूबर 2017 को ही नियामक मंडल पर बर्खास्त कर चुकी है। संयोजक के मुताबिक विपिन बिहारी ना तो कुर्सी छोड़ने के तैयार है और ना ही आय व्यय का हिसाब ही दे रहे हैं। पिछले 10 माह का हिसाब पेंडिंग है, मार्च एंडिंग भी उन्होंने नहीं किया है। विपिन बिहारी के इस हट धर्मिता से वित्तीय अनियमितता की भी व्यू आ रही है। संयोजक ने कहा कि 15 अगस्त की घड़ी नज़दीक आ चुकी है, उसके बाद 2 अक्टूबर भी जल्द आने को है। यह वो समय है जब खादी ग्राम से ग्राहकों को बड़ी छूट मिलती है। विपिन बिहारी की इस मनमानी से प्रतिष्ठान ठप पड़ जाएगा, प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा। जिला के इस प्रतिष्ठान के अलावे नया बाजार झरिया निरसा करकेन में भी खादी ग्राम भंडार संचालित है। उनकी मनमानी से बाकी भंडार में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धरना ये 10 महीना से जो है इन लोग बर्खास्त हो गए हैं किसी कारण से और चार नहीं सौंप रहे हैं, इसके चलते समस्या खड़ा हो गया है। कत्तिन बुनकरों के और वर्करों का भी बहुत दिक्कत हो गया है और ये लोग मान ही नहीं रहे बात की। न सरकार की चिट्ठी मानते हैं, न हमारे कमेटी का मानते हैं, न मंत्री का मानते हैं, ये सबसे अपने आप को ऊपर मान रहे हैं। तो परिस्थिति ऐसा समय ला दिया, मजबूरन ताला बंद करना पड़ा। क्या तो चार्ज दीजिए, नहीं तो ताला बंद रहेगा। मांग यही है कि चार्ज हैंड ओवर कीजिए, ना मैनेजर हैं, न आप सदस्य हैं, न मंत्री हैं, आप कुछ नहीं हैं। कल प्रशासन हमसे यही पूछेगा कि जो बर्खास्त आदमी है फिर वो कैसे सत्ता में बैठा हुआ है, कुर्सी कैसे व्यवस्था चला रहा है, तो हमारे पास फिर जवाब तो नहीं है। चार्ज नहीं मिलेगा तो ताला बंद रहेगा अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन।